चलिए कुछ स्टॉक्स एक तो आज का स्टॉक ऑफ द डे देख लें, ट्राइडेंट, ये अभी भी काफी स्ट्रांगली मोमेंटम में आता हुआ नजर आया। आपको बाजार खुलने से पहले बताया गया था 8:30 बजे ये रोज हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम ऐसी कॉल देते हैं जो टेक्नो फंडामेंटल होती है, जहां पर अच्छा ट्रिगर है और वो स्टॉक आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकता है। आज का स्टॉक है ट्राइडेंट। इसके अलावा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स बाजार खुलने के बाद बताया गया और ये स्टॉक देखिए जबरदस्त रिटर्न दे रहा है, 41.80 के लेवल पे शेयर आपके बजट में। आज का स्टॉक है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। साथ ही साथ मर्केटर कंपनी की सब्सिडियरी को एसजीएक्स से मंजूरी मिली है और ये मंजूरी जो है मर्केटर लाइन सिंगापुर लिमिटेड में हिस्सा बिक्री के लिए मिली है, सब्सिडियरी बेचेगी इस कंपनी में हिस्सा, तो कहीं ना कहीं ये ट्रिगर है और मार्केटर पे अच्छी मोमेंटम इस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। नेटको फार्मा बहुत गिरावट के बाद आज फार्मा स्टॉक्स में फिर से एक रिकवरी, कल भी लेटर हाफ में रिकवरी थी लेकिन आज नेटको में अमेरिका में सेव मार्ट फार्मेसी स्टोर बेचने की मंजूरी मिली है, उसका कहीं ना कहीं ट्रिगर बन गया। हिडलबर्ग ये स्टॉक में अभी थोड़ी देर पहले टेस्ट कर रहा था और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2016 के उच्चतम स्तर पे शेयर अब खड़ा हो गया, आके अच्छी तेजी के साथ काम का जो है ये अगर रेजिस्टेंस पार हो गया तो फिर उसके बाद फिर एक अच्छी रफ्तार पकड़ सकता है। जुबिलेंट लाइफ निचले स्तरों से एक पुल बैक दिखा रहा है, श्रेय इंफ्रा अहम एवरेजेस के ऊपर आ गए, दोनों स्टॉक्स में आज मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। और दो और स्टॉक्स जो रडार पर है जेनरिगेशन 50 DMA के ऊपर और यही 50 DMA के ऊपर है HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, इस स्टॉक पे आप नजर रखें। मेरे साथ आशीष केलकर साहब इस समय जुड़े हैं। आशीष जी शुक्रिया आपने समय देने के लिए। सर सबसे पहले तो निफ्टी पे एडवाइस कीजिए, कोई डिप आता है तो एकदम से खरीदारी बढ़ जाती है, तो क्या माने जब तक FIs खरीदारी कर रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं बेचने की, क्या किया जाए निफ्टी पे? रजत जी अगर कोई डिप आता है मार्केट में तो खरीदारी करने की सलाह होगी। जैसा हमने कहा कि 7690 ये एक अहम सपोर्ट लेवल है जिसके ऊपर डिमांड चलता रहेगा, तो मैं ये मानता हूं कि जब जब यहाँ पे 7690 तक आज की दिन में मार्केट अगर आता है तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे रहने की संभावना सबसे ज्यादा है, कुछ स्टॉक अपने जो डिस्कस किए हैं उसमें भी से भी कुछ अच्छे स्टॉक्स है कि जो यहां से भी ऊपर जाने की संभावना है। राइट, ठीक है, लेकिन अब कुछ स्टॉक्स के ऊपर ही चर्चा करते हैं। एक तो ये देखिए HCC कैसा लग रहा है आपको, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था काफी समय से एक रेंज में फंसा हुआ था लेकिन ये कुछ आज एक्टिविटी बनी है, क्या ये तेजी पकड़ सकता है स्टॉक? डेफिनेटली इसने एक अच्छे पैटर्न को ब्रेकआउट भी दिया है और वॉल्यूम भी बहुत ठीक ठाक लग रहा है, जो शैडो इंडिकेटर है उनका भी रुझान पॉजिटिव ही है, तो मैं यहाँ मानता हूँ कि यहाँ पे भी खरीदारी करने की कर सकते हैं, जिन इन्वेस्टर ने यहाँ पे इसमें स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है वो खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 19.80 रुपीज का और इसका लक्ष्य जो मुझे चार्ट पर दिखाई दे रहा है वो है 23.80 रुपीज। राइट, मार्केटर कैसा लग रहा है क्योंकि आज न्यूज फ्लो है कंपनी की जो सब्सिडियरी है उसको मार्केटर लाइन सिंगापुर लिमिटेड में हिस्सा बिक्री की मंजूरी मिली है, MLS में पूरा हिस्सा कंपनी की जो सब्सिडियरी है उसमें बेचेगी, तो क्या किया जाए मार्केटर पे? आज मूव स्ट्रांग है, क्या इसमें प्रॉफिट बुक कर लें या फिर और अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है? मेरे ख्याल से यहाँ पे ये स्टॉक जो है उसको होल्ड करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि इस स्टॉक ने करीब 16 रुपए से लेकर 22.30 रुपए तक का एक अच्छा रैली दिया था और उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है, आज उस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ये स्टॉक होल्ड करने की मेरी सलाह होगी। इसके लिए हम स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन में रिकमेंड करना चाहूंगा, करीबन 19.60 रुपए का स्टॉप लॉस चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है लेकिन लक्ष्य जो है वो भी सेम 23.30 रुपए तक का ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। ये राइट सर, एक और स्टॉक देखिए जैन इरिगेशन 50 DMA के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है और अब ये कैंडल्स कैसी लग रही हैं आपको, क्या यहां से और रफ्तार पकड़ सकता है स्टॉक? डेफिनेटली यहां से एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में बना रहने का रुझान चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है क्योंकि जो मूविंग एवरेजेस है जैसा आपने सही फरमाया कि लेकिन हम जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं उसमें भी एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें मिला है और मैं ये मानता हूं कि ये जो स्टॉक है ये करीबन 64 के लेवल तक भी ये स्टॉक जा सकता है, तो इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए हमें 59 का और 64 के लक्ष्य के लिए खरीद सकते हैं। राइट, कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्टिविटी शो कर रहे हैं और जहां पर मोमेंटम स्ट्रांग है फार्मा स्टॉक्स पे क्या एडवाइस किया? दो स्टॉक्स में चुनूंगा, जुबिलेंट लाइफ और नेटको फार्मा, दोनों पे क्या करना चाहिए आज ट्रेड में? जुबिलेंट लाइफ जो आपने कहा इन दोनों में से ऐसा देखा गया तो दोनों स्टॉक का चार्ट जो है वो सिमिलर पैटर्न फॉर्मेशन बना रहा है लेकिन फिलहाल छोटी अवधि के लिए या 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं जुबिलेंट लाइफ रिकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पे। इसके लिए हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 404 रुपए का और इसका पहला लक्ष्य जो है वो 428 रुपए का चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में से जुबिलेंट लाइफ को हम प्रेफरेंस देंगे और 404 का स्टॉप लॉस और 428 का लक्ष्य लेके ये स्टॉक खरीद सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जहां पर अच्छा मोमेंटम है और जो आने वाले समय के लिए बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं, फंडामेंटल पिक्स जानते हैं। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। अंचल बताएं ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक है, मार्केट तो लगातार नए लेवल्स छू रहा है अब। शुक्रिया, अरे देखिए बाजार में तेजी है लेकिन हाँ जो दो स्टॉक से जहां इससे बाजार से ज्यादा तेजी रह सकती है उसमें पहला स्टॉक
सूर्य रोशनी का, ये शेयर पे नजर रखिएगा, एक अच्छे रिटर्न देता हुआ दिख सकता है और ऐसा एंजल ब्रोकिंग मानता है। अगर कंपनी के नतीजों पे नजर डाले, Q3 नतीजे बेहतरीन रहे थे, मुनाफा करीब 17% बढ़ा था, लेकिन असली ट्रिगर इसमें है ऑर्डर बुक का। कंपनी को लगातार इस क्वार्टर में ऑर्डर मिलते रहे, स्मार्ट सिटीज के तहत और ऑर्डर मिलने का अनुमान है और कहीं ना कहीं ऑर्डर्स की वजह से कंपनी के ओवरऑल जो प्रेजेंस है, ओवरऑल जो कारोबार है वो टर्न अराउंड होता हुआ दिखा है। जो LED का कारोबार में कंपनी है, प्रीमियर कंपनी मानी जाती है LED कारोबार की। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने भी उद्घाटन किया था LED मिशन का, सेव एनर्जी मिशन का, तो उस टाइम सूर्य रोशनी का ही ब्लब यूज़ किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक अग्रणी कंपनी है अपने सेक्टर में, वैल्यूएशन बेहद सस्ते हैं, मौजूदा EPS कंपनी करीब 13 रुपये के आसपास है, वहीं अगर P मल्टीपल देखे तो 10.9 के मल्टीपल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसा एंजल मानते हैं कि FI 17 तक आते आते कंपनी की EPS करीब 18 रुपये 20 पैसे होती हुई दिखेगी और जो मल्टीपल है वो गिर के 8 के मल्टीपल पर आ जाएगा शेयर। तो कहीं ना कहीं बेहद सस्ते वैल्यूएशन पर शेयर है, यहाँ से खरीदारी करिए सूर्य रोशनी में। एंजल ब्रोकिंग मानता है आपका लक्ष्य होना चाहिए 183 का, 183 का लक्ष्य। अपसाइड पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है, फिलहाल 144 पे कामकाज कर रहा है। सूर्य रोशनी को रडार पर रखें। एक और स्टॉक बताएं अंचल। दूसरा स्टॉक आज के लिए IT सेगमेंट से है, सोनाटा सॉफ्टवेयर का शेयर है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल बेहद बुलिश है सोनाटा सॉफ्टवेयर पे, ओवरऑल कारोबार काफी साउंड है, कंपनी के जो Q3 नतीजे थे वो भी अच्छे रहे थे, ऑपरेटिंग फ्रंट पे करीब 38% की बढ़त देखने को मिली थी, मार्जिन स्ट्रांग रहे थे और ओवरऑल जो क्रॉस करेंसी हेडविंड था यूरो की कमजोरी की वजह से वो बहुत मिनिमम रहा था। अगर आप पूरे इंडस्ट्री को देखें तो उसमें सबसे कम क्रॉस करेंसी हेडविंड सोनाटा सॉफ्टवेयर पे रहे थे और उम्मीद है Q4 के अंदर भी प्रदर्शन जारी रहेगा। जिस तरह से डॉलर की मूवमेंट रही है सीधा फायदा कंपनी को आता हुआ दिखेगा और Q4 नंबर्स भी मजबूत रहने का ही अनुमान है। कंपनी की मौजूदा EPS करीब 10.5 रुपये के आसपास है और P मल्टीपल 13.75 के टाइम्स ट्रेड कर रहा है। अगर आप इंडस्ट्री PE से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री PE करीब 22 के मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है, तो कह रहा है उससे काफ़ी सस्ता शेयर है और यही कारण है कि फर्स्ट कॉल मानता है आप सोनाटा सॉफ्टवेयर में खरीदारी कर सकते हैं, 170 रुपये का लक्ष्य रहेगा। चलिए सोनाटा सॉफ्टवेयर एक और शेयर जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं और 170 तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए और दोनों ही स्टॉक्स हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और इनफैक्ट जो IPO मार्केट पे इसमें एक्टिविटी काफी तेज हो गई है, एक और IPO अब कतार में है। RBI की मंजूरी मिलने के बाद माइक्रो फाइनेंस कंपनी इक्विटाज अपना IPO लेकर आ रही है। इशू 5 से 7 अप्रैल के बीच खुला रहेगा। IPO का प्राइस बैंड 109 से 110 रुपये तय किया गया है। मेरे साथ मैनेजमेंट जुड़िए, PN वासुदेवन साहब जुड़े हैं, MD इक्विटास के। सर बहुत शुक्रिया अपना समय Zee Business को देने के लिए। सबसे पहले तो वासुदेवन जी ये बताएं इस IPO के बारे में थोड़ा बताएं, IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कहां करेगी कंपनी? In the IPO, we are raising 720 crores, which is for the company. That's the primary part of the issue. On the secondary part of the issue, we have around 13.2 crores of shares. Which are being sold under OFS by some of the existing investors, and that the price band is at 109 to 110 rupees. So that's the total issue. Out of the 720 crores which we are planning to raise for the company, approximately 620 crores would be invested into the various subsidiaries that we have, which are carrying on the lending activities. The balance 100 crores which will be retained in the holding company, part of that is used for setting off the expenses of the issue, and the remaining will be held at the holding company, which could then be used by the holding company in terms of giving as a loan to the subsidiaries. That's how we plan to use the proceeds. Okay, right. Equitas ka jo IPO's ke lead managers hai, Access Capital, Edelweiss Financial Services, HSBC Securities, Capital Markets, ICICI Securities or Access Capital. In fact, sir, ye bhi jana chahenge aapse, kya small bank ke liye bhi yahan par fund ka use kiya jayega, jo aap juta rahe hai is particular IPO se? See, currently we have 3 operating subsidiaries, which are Equitas Microfinance, Equitas Finance, which is the NBFC, and Equitas Housing Finance, which is a housing finance company. As we convert into the bank, these 3 subsidiaries are going to be merged, and that becomes one entity, and that entity will be the Equitas Small Finance Bank once we get the regulatory approval from RBI. The entire 620 crores that we are investing into the 3 subsidiaries today, when the companies merge, that money will be anyway in that merged entity, which is a bank. So the whole money is going to be used in the banking company. Right, sir, ये जानना चाह रहा था. In fact, ये जो आपने banking company के बारे में बात की, ये small bank कब से शुरू हो जाएगा Equitas का? We have 18 months time frame from RBI to commence operations. That 18 months will be completed in April 2017. So we should start our operations before that. Once we complete certain corporate actions which are required to complete as per the in-principle license, then we'll apply to RBI for the final license. And as and when we get the license, we should be able to commence operations. And we believe that we should be able to start it within those 18 month time frame.
राइट, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस आईपीओ पे बात करने के लिए, मच कीनली वेटेड आईपीओ, क्योंकि एसकेएस माइक्रो फाइनेंस एक और कंपनी जो यहां पर लिस्टेड है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, उस पर जबरदस्त इंपैक्ट आएगा। आशीष जी कैसा लग रहा है अभी चार्ट स्ट्रक्चर एसकेएस माइक्रो फाइनेंस का, 535-536 के लेवल पे क्या करना चाहिए स्टॉक पे? रजत जी मैं ये मानता हूं कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें एक अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है लेकिन उसको ब्रेकआउट अभी नहीं मिला है, तो मैं ये मानता हूं कि ये जो स्टॉक है अगर इस स्टॉक को हमें खरीदारी करनी है तो थोड़ा रुकना चाहिए। ये जो पिछला स्पाइक बना था वो बहुत ही ऊपर है, हालांकि वो मैं करीबन लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखता हूं, 605 रुपए का स्पाइक है, 535 से लेकर 605, ये एक अच्छा रैली है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर ये स्टॉक 605 के ऊपर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट देता है तो ये कम से कम 1000 रुपए जाएगा। तो ये जो स्टॉक है ये स्टॉक हमें लंबी अवधि के लिए अगर लेना है तो 605 रुपए के लिए रुक जाए, अगर छोटी अवधि के लिए लेना है तो मैं मानता हूं कि छोटी अवधि के लिए लेना है तो करीबन 515 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, पहला लक्ष्य जो चार्ट पर दिखाई दे रहा है वो है 568 का। छोटी अवधि के लिए जिनको निवेश करना है वो अभी बाय कर सकते हैं, 515 का स्टॉप लॉस और 568 का टारगेट। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे रुक जाए, 605 के ऊपर अगर ये स्टॉक वीकली ब्रेकआउट देता है तो ये स्टॉक कम से कम 1000 रुपए जाने की संभावना है। राइट सर, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप मानते हैं कि तेजी बन सकते हैं, जो आपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया? दो स्टॉक मेरे रडार पर है रजत जी, ये तो दोनों स्टॉक है वो थोड़े मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, उसमें से पहला होगा चेन्नई पेट्रोल, ये करीबन 204.50 रुपए 225 रुपए के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है और इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 201 रुपए का और इसका पहला लक्ष्य होगा 213 रुपए का अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। दूसरा स्टॉक जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो होगा कटाकिया सीमेंट, इसके लिए भी स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा 202 रुपए का और इसका पहला लक्ष्य जो दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर वो है 222 रुपए का। राइट, ठीक है, लेकिन एक स्टॉक जो आज बाजार खुलते ही हलचल में आ गया वो है हिंदुस्तान जिंक। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये डेरिवेटिव का काउंटर है और आज जिस तरीके का न्यूज फ्लो यहां पर डेवलप हुआ हिंदुस्तान जिंक में, शुरुआत तो काफी जबरदस्त देखने को मिली थी लेकिन अब 5.5% के आसपास की तेजी शो कर रहा है, ऐसा हुआ क्यों? सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े, सुमित बताएं एक तो क्या ट्रिगर था जो एकदम से इतनी जबरदस्त ओपनिंग देखने को मिली और अब आने वाले समय के लिए क्या माने हिंदुस्तान जिंक एक अट्रैक्टिव बेट हो सकता है? शुक्रिया रजत, एक अट्रैक्टिव बैट तो ज़रूर बन गया है, स्पेशली तब जबकि 24 रुपये का एक स्पेशल डिविडेंड कंपनी की तरफ से दिया गया है, माफ़ कीजिएगा 1200% के आसपास का यहाँ पे डिविडेंड है, करीब 2 रुपये की फेस वैल्यू है और शेयर जो डिविडेंड दिया गया है वो 24 रुपये के आसपास का है। जिन स्तरों पर भी हिंदुस्तान जिंक है इस लिहाज से अगर देखें तो रफली 13% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बैठती है, ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है क्योंकि 13% का टैक्स फ्री रिटर्न आपको मिलेगा, कंपनी अपनी गोल्डन जुबली के बतौर ये डिविडेंड दे रही है, लेकिन इसका जो मेजर पाए है वो वेदांता के पास ही जाने वाला है, यानी करीब करीब 6,900 करोड़ रुपए के आसपास की जो रकम है वो वेदांता के पास आएगी और रफली क्योंकि सरकार की भी 30% हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर तो सरकार को भी इस पाए का करीब करीब 2995 यानी कि रफली 3,000 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगा, कुल 10,000 करोड़ रुपए का एक आउटगो होगा इस डिविडेंड्स के थ्रू और उसमें से भी 9,950 करोड़ रुपए जो है या तो सरकार को मिलेगा या फिर वेदांता को, तो जो मेजर हिस्सा है वो इन दोनों प्रमोटर्स के पास ही आएगा क्योंकि इन दोनों प्रमोटर के मिला के करीब करीब 90-95% के आसपास की होल्डिंग है। लेकिन हाँ, जिन रिटेल निवेशकों का शेयर है उनके लिए भी एक अच्छी खबर है, करीब 24 रुपये का एक स्पेशल डिविडेंड अपने आप में एक वन टाइम गेन है और कंपनी इस पर करीब करीब 10-12,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च भी करने वाली है, तो एक अच्छी खबर है निवेशकों के लिए और इसीलिए आज से एक रिपोर्ट भी आई है जेपी मॉर्गन की जिन्होंने वेदांता को एक अच्छी बेट माना है क्योंकि उनको कैश मिलने वाला है और दूसरा हिंदुस्तान जिंक को भी एक अच्छी बेट के तौर पर देख रहे हैं। दोनों ही स्टॉक्स में तेजी है, वेदांता में भी तेजी और हिंदुस्तान जिंक तो वैसे ही तेज है। आशीष जी आपके पास आता हूं क्योंकि यहां पर जो लॉट साइज है वो है 3200 का हिंदुस्तान जिंक का और जिन्होंने भी कल शेयर्स लिए उनको तो एकदम से आज लॉटरी लग गई सुबह सुबह, अब प्राइस एडजस्टमेंट्स होंगी क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में तो ऑब्वियसली यहां पर ऑप्शंस के जो स्ट्राइक्स हैं उसका भी एडजस्टमेंट होगा इस डिविडेंड के बाद, पर हिंदुस्तान जिंक वेदांता इन स्टॉक्स पे अभी रिकमेंडेशन क्या दिया आपने क्लाइंट्स को? होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे खरीदारी करने की भी सलाह हो सकती है, करीबन 190 रुपीस तक का ये स्टॉक टॉप दे सकता है इस अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, 190 तक का लक्ष्य हिंदुस्तान जिंक पे दिखाई दे सकता है, तो जिनकी लॉन्ग पोजीशन है वो अभी भी होल्ड करके रखे ऐसा मैं रिकमेंड करूंगा, नई पोजीशन लेते वक्त स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और अभी फिलहाल 184 रुपीस तक ये स्टॉक चल रहा है, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन दिखाई दे रहा है रजत जी चार्ट के ऊपर, करीबन 176 का स्टॉप लॉस लगा के नई पोजीशन अगर इनिशिएट करनी है तो करनी पड़ेगी।
राइट, कुछ और स्टॉक्स जो आज बाजार में एक्टिव होते चले जा रहे हैं, एक तो ये स्टॉक देखिए कैसा लग रहा है अभी आपको, लंबोदरा टेक्सटाइल्स फिर से 149 के लेवल पे एक रीअटेम्प्ट कर रहा है मार्च के हाईस को तोड़ने का, निचले स्तरों से खरीदारी फिर से विजिबल है और टेक्सटाइल स्टॉक्स वैसे ही एक्टिव है जैसे कि ट्राइडेंट और लंबोदरा जैसे स्टॉक्स, क्या किया जाए 7% ऊपर अभी शेयर? ये स्टॉक थोड़ा इलिक्विड काउंटर है रजत जी, टेक्निकल चार्ट अगर हम देखते हैं तो इलिक्विड काउंटर जो होते हैं उसमें जो चार्ट फॉर्मेशन होते हैं उसमें ज्यादा रिस्क दिखाई देता है, लेकिन फिलहाल वॉल्यूम है वो लगभग 10 लाख के आसपास का वॉल्यूम मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अच्छी खासी तेजी पकड़ ली है लंबोदरा ने, ये जो दो दिन के जो वॉल्यूम इस समय बन रहे हैं और निचले से जो रिकवरी शो कर रहा है लंबोदरा उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है आपको? अगर हम पिछले दो हफ्ते का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो पिछले दो हफ्ते में ही बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स इसमें आया है, तो इस वॉल्यूम को देखते हुए अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो मैं मानता हूं कि करीबन 224 तक जाने की संभावना है, लेकिन ये 224 तक जाने की जो संभावना है उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो होगा करीबन 135 रुपीज का, 222 तक जाने के लिए कम से कम दो या तीन हफ्ते का समय इसको देना पड़ेगा और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 135 का इसके लिए लगाना होगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे अप्रोच बताने के लिए और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हमसे शेयर करने के लिए। एक अच्छी तेजी में आ गए 7768 टू बी प्रिसाइज में निफ्टी का लेवल, दिन की उच्चतम सर के बेहद करीब और एक्सपायरी का दिन है आज मार्च सीरीज और फिस्कल की एक्सपायरी कट रही है और देखिए कितनी शानदार तेजी, फिलहाल आधे फीसदी के आसपास की तेजी इंडियन इंडाइसेस ने पकड़ ली, अब देखते हैं रेस्ट ऑफ द डे कैसे पैन आउट होते हैं।